इस एपिसोड की शुरुआत में बैन रुक एक ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं, जिसका ड्राइवर एक होलोग्राम था। बैन खिड़की से बाहर निकलता है। रुक कहता है, बैन तुम कोई एलियन रूप नहीं लोगे? बैन कहता है, नहीं रुक, कुछ एलियंस तुम्हारी गाड़ी में फिट नहीं होंगे, और ट्रक पर कूद जाता है। फिर वहां के कंप्यूटर सिस्टम से ड्राइवर को हटाकर ट्रक रोकने ही वाला था कि तभी ट्रक के पीछे इंस्पेक्टर 13 आ जाता है। बैन कहता है, मैं हैरान हूँ वेपन मास्टर, तुम अपनी डिलीवरीज खुद कर रहे हो। वेपन मास्टर बताता है, तुम्हारी वजह से मैं वेपन मास्टर नहीं रहा, मेरी पोजीशन है अब एक बिजनेसमैन। फिर बैन पर फायर करवाता है। बैन भागकर ऊपर चढ़ जाता है। टेकाडोन बोट्स भी ऊपर आकर उस पर अटैक करते हैं। बैन ट्रक पर अटक जाता है और उसका हाथ छूटकर वो सीधा रुक के ट्रक पर जा छपता है, लेकिन अभी भी वो उसका पीछा करते हैं, पर वेपन मास्टर उनके इंजन को तबाह कर देता है। जहां बैन बड़ी ही इंटेलिजेंट बातें कर रहा था, रुक बैन को कहता है, तुम एक्सेलरेट या फास्ट ट्रैक में बदल कर उसे पकड़ लो। बैन कहता है, नहीं, मैं अपने एलियन फॉर्म्स पर ज्यादा डिपेंड रहता हूँ, जिसको सुनकर रुक काफी खुश हो जाता है। फिर दोनों पूछताछ के लिए अंडरटाउन में जाते हैं, जहाँ उन्हें ऐसे बंदे की तलाश थी जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सके। तभी उन्हें आर्चर दिखता है, जो बच्चों को अपनी बहादुरी की कहानियां सुना रहा था। रुक उससे पूछता है, हमें इलीगल वेपन्स के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए। आर्चर बोलता है, ऐसी गैर कानूनी बातें यहाँ नहीं होती, आओ मेरे ऑफिस में। ऑफिस में आकर आर्चर उन दोनों से सॉरी मांगता है और उनसे कुछ खाने के बारे में पूछता है। बैन चिली फ्राइज मंगाता है, जिससे सॉलिड प्लग चिली फ्राइज लेने चला जाता है। आर्चर इंस्पेक्टर 13 का अड्डा जानता था, पर उसमें आर्चर का क्या फायदा। बैन कहता है, हमें बस वो गैर कानूनी सामान चाहिए, बाकी की चीजें तुम रख लो या बेच दो, जिसको सुनकर आर्चर मान जाता है। इतने में चिली फ्राइज भी आ जाते हैं, जिन्हें बैन बड़ी ही अजीब तरह से खाता है। क्रिस्टीना भी आकर रुक से प्यार भरी बातें करती है। सॉलिड प्लग बैन की ये हरकत देखकर कहता है, तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो। बैन कहता है, मैंने एक अच्छा प्लम्बर होने का फैसला किया है। फिर हम प्लम्बर जेल में कैद एल्बिडो को देखते हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं एल्बिडो नहीं हूँ, मैं बैन टेनिसन हूँ। फिर एल्बिडो फोरआर्म्स पे बदल कर दरवाजा तोड़ने लगता है, पर उससे कुछ नहीं होता। अब एल्बिडो दरवाजे के आर पार जाने के लिए बिग चिल में बदल कर कोशिश करता है, जिससे भी कुछ नहीं होता। अब बैन को समझ आता है, ये कैद तो एल्बिडो के लिए बनी है। फिर कैदियों को खाना देने के लिए ब्लू के जो ड्रीवर आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर एल्बिडो कहता है, ये मैं हूँ बैन, एल्बिडो ने मुझसे अदला बदली की है, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। ब्लू केज ड्रीवर कहते हैं, हमें बताया गया था एल्बिडो हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, हम बेवकूफ नहीं हैं, जिससे दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर जब दोनों एल्बिडो की प्लेट लेने आते हैं, तो देखते हैं एल्बिडो सोया है, जो कि गद्दे थे। असल में एल्बिडो तो नैनोवेक में बदल कर प्लेट में छुपा था, पर जब उनका सिक्योरिटी स्कैन होता है, तो एल्बिडो कहता है, यार मैं सिक्योरिटी स्कैन के बारे में तो भूल ही गया, जिससे एल्बिडो फंस जाता है। ब्लू केज ड्रीवर अपनी गन निकालकर उस पर फायर करने लगते हैं, और जब दोनों की गन रिलोडिंग पे लगती है, मौका देख बैन बिकचिल में बदल कर दीवार के आर पार होकर ऊपर की ओर जाने लगता है, जहाँ भी उस पर फायरिंग होती है। बैन एक पोल पर फंस जाता है और उसे बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है। यहाँ आर्चर मिस्टर 13 के लिए कुछ कुरियर लाता है। अर्जेंट डिलीवरी कहकर वो बोर्ड्स का हाथ स्कैन करके चला जाता है, और बोर्ड्स उन डिब्बों को अंदर ले जाते हैं, जिससे क्रिस्टीना के हाथ बाहर आकर सॉलिड प्लग को भी बाहर निकालते हैं। फिर दोनों बैन रुक आर्चर के लिए पीछे का दरवाजा ओपन कर देते हैं, पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, सभी डोर्स लॉक हो जाते हैं, और काफी सारे टेकाडोन बोर्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं। इधर ब्लू केज डीवर एल्बिडो के छूट जाने की गलती के बारे में बहस कर रहे थे, तभी एल्बिडो उनके सामने आ जाता है। यहाँ रुक क्रिस्टीना और सॉलिड प्लग टेकाडोन बोर्ड्स को धो रहे थे, और आर्चर छुपा था, जिसके साथ छुपने बैन भी आता है। सभी टेकाडोन बोर्ड्स ढेर हो जाते हैं। फिर बैन दरवाजे के लॉक को तोड़कर सबको अंदर लॉक कर देता है और कहता है, मुझे एक ही चीज चाहिए और तुम सब कहीं नहीं जाओगे। फिर वाइल्ड बर्ड में बदल कर सभी को पकड़कर बांध देता है। रुक कहता है, तुम बैन नहीं हो। बैन कहता है, हाँ, और फिर अपने असली रूप में आता है, जो कि एल्बिडो था। तुम कुछ दिन तो बेवकूफ बन ही गए रुक। एल्बिडो एक चिप जैसा निकालकर अपनी अल्टीमेट्रिक्स में डाल देता है,
और कहता है, सबसे मुश्किल काम था टेनिसन से अदला बदली करना। किस्मत से मेरे एक पार्टनर ने मुझे ढूंढ लिया जिसे प्लम्बर के चप्पे चप्पे के बारे में पता था। और जब टेनिसन की किचन ड्यूटी आई तो पार्टनर ने उसे बेहोश करके हमारी अदला बदली की, उसके बाल और आंखें बदल दी। तुम अपने हीरो को नहीं पहचान पाए। रुक, तुम्हें तो ये पता चला भी नहीं, मेरा ओमनीटिक्स है ही नहीं, इससे बस मेरे एलियंस वॉच पर रहते हैं। अगर मुझे वो आखिरी हिस्सा मिल जाए तो मुझे अल्टीमेट पावर्स मिल जाएंगी। तभी वो आखिरी चीज लेकर इंस्पेक्टर 13 आ जाता है, जो एक क्रिस्टल था, जिसे लेने के लिए एल्बिडो ह्यूमंगासोर में बदलकर 13 की ओर बढ़ता है, जिसे 13 रोकते हैं और उस पर फायर करते हैं, जिससे एल्बिडो बच जाता है। फिर 13 गार्ड रोबोट्स को भेजता है जिन्हें एल्बिडो फोड़ने लगता है। 13 एल्बिडो को जकड़कर उस पर गन से शूट करते हैं, पर एल्बिडो बिगचिल में बदलकर बचकर 13 की चेस्ट को फाड़ देता है। एल्बिडो कह रहा था, इंस्पेक्टर 13 तुम पहले जैसे नहीं रहे, सब देखो अब मैं इस इंस्पेक्टर 13 को कैसे सबक सिखाता हूँ। फिर 13 को बर्फ से पूरी तरह जमा देता है, जिनके हाथ में एक बॉम्ब था जो फट जाता है और 13 बच जाते हैं। फिर 13 फिर से गन से हमला करते हैं, जिनसे एल्बिडो बच जाता है और वाइल्ड मट में बदलकर गन को निकालकर इंस्पेक्टर 13 को दूर फेंक देता है। जिस गन में वो क्रिस्टल था, एल्बिडो उस क्रिस्टल को निकालकर उसे अल्टीमेटिक्स में लगाने की सोच ही रहा था कि तभी बाहर से आर्मंड्रिलो दीवार चीरकर अंदर आ जाता है, जिससे क्रिस्टल छूट जाता है, जो कि बेन था। बेन कहता है, मैंने प्लम्बर से कहकर फुल स्कैन करवाया और मैं ही निकला। एल्बिडो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने देर कर दी, और क्रिस्टल पर झपटता है। बेन भी उसके ऊपर झपटता है। रुक कहता है बेन उसे, उस क्रिस्टल को लेने से रोको, जिससे बेन और एल्बिडो उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करने लगते हैं। इधर रुक क्रिस्टीना को कहता है, अपने हाथ से मेरी रस्सियां खोलो, जिससे क्रिस्टीना हाथ से उसकी रस्सियां खोल देती है और उसके चेहरे पर कुची कुची कूबी करती है। बेन घूमकर एल्बिडो को दूर फेंकता है और फिर से घूमकर क्रिस्टल को अपनी ओर खींचता है, पर एल्बिडो उस पर पाइप दे मारता है, जिससे बेन को काफी दर्द होता है और एल्बिडो को आखिरकार क्रिस्टल मिल जाता है, जिसे वॉच पर लगाकर एल्बिडो अल्टीमेट ह्यूमंगासोर में बदलता है और बेन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने लगता है। बेन भी उस पर पलटवार करता है, जिससे दोनों के बीच भयंकर फाइट होने लगती है। आखिर में एल्बिडो बेन को नॉर्मल करके कहता है, अब तो तुम गए, पर बेन फोरआर्म्स में बदलकर उस पर जोरदार पंच मारकर उसे सीधा बाहर भेज देता है, जिसके मुंह पर रुक जाल फेंकता है और दोनों लड़ने लगते हैं। एल्बिडो बेन को पटकता है, पर तभी पीछे से आर्चिट उस पर अपने कांटे मारकर एल्बिडो को ढेर कर देता है। पर तभी एक स्पेसशिप आकर एल्बिडो को लेकर उड़ जाता है, जो कि उसका पार्टनर खाइबर था। एल्बिडो भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आकर दोनों कहते हैं, अब अपना काम शुरू करते हैं। इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।